कि गैर इरादातन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए, कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी सरकार का उचित ही निर्णय है कि आतंकवाद के लिए ये कानून में हमने जगह दी है। उसके बाद भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। माने और मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है साहब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे। और सबसे ऊपर कोर्ट है, अगर किसके ग्रीवेंसेस है तो ये आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कोर्ट के ऊपर तो नहीं है, धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांसा करेगी। मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और जीरो टॉलरेंस का एक संदेश इस सदन से जाना चाहिए। मान्यवर, संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है। कई राज्य और राज्यतर गैंगे संगठित अपराध करती हैं, इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसके अंदर हमने साइबर अपराध को, आर्थिक अपराध को, भूमि हथियाना को, हथियारों की व्यापार को, डकैती को और मानव लोगों की तस्करी करने, व्यक्तियों की मानव तस्करी में, ये सभी को इसके अंदर रखा है। आर्थिक अपराध की भी हमने व्याख्या की है, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टैंप का कूटकरण, हवाला व्यवहार और बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास, इसको भी आर्थिक अपराध की व्याख्या के तरह पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि न्यायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा। मान्यवर, एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादातन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी मैडम, पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादातन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया है। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी संख्या के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल होते थे और अलग अलग धाराओं में अंत में कानून के गैप का फायदा उठाकर वो छूट जाते हैं,
थे, स्नैचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है, और मान्यवर गंभीर चोट का जो कानून था इसमें भी हमने दो डिवीजन करे हैं। किसी ने किसी के सर पर लाठी मार दी, इंजर्ड हुआ तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परंतु लाठी मारने के कारण वो ब्रेन डेड हो गया या अपाहिज हो गया तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। तो संपूर्ण अपाहिजता या तो ब्रेन डेड के केस में हमने 10 साल तक का कठोर दंड देने का प्रावधान किया है, इसको सेपरेट किया है। मान्यवर गंभीर चोट का जो खंड 117 है उसमें 10 साल की उम्र कैद का हमने प्रावधान किया है।